मैडम सुन पा रहे हैं? एवरी हाँ सर स्टार्ट कीजिए. एवरीबडी प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास. एवरीबडी प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास. गुड मॉर्निंग, आप सभी का पीपीएचडी कोर्स में आज पूरा स्वागत करता हूँ. हम लोगों ने कल पास्टिविज्म और पास्टिन के फिलासफी ऑफ ला का एनालिसिस किया गया था और इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे थे कि यदि संप्रभु के समावेश के रूप में व्याख्या का परिणाम यह हुआ कि विधि और संप्रभु में अंतर करना पड़े और दोनों की एक दूसरे के संदर्भ में व्याख्या करनी पड़ी. सावरेन इसलिए सावरेन है कि वह बाइंडिंग कमांड इशू करता है. ला इसलिए ला है कि वह संप्रभु का बाध्यकारी समादेश है. समादेश की भावना में साइकोलॉजिकल फियर मनोवैज्ञानिक भय का बाहुल्य था. अतः इस अवैज्ञानिक तथ्य को हटाकर विधि की शुद्धता कायम करने की दृष्टि से विधि की नवीन दृष्टि से अध्ययन अपरिहार्य हो गया. 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विधि की व्याख्या एक प्रणाली के रूप में करने का प्रयास किया गया कि ला एस्ट ए सिस्टम. विधि एक मानकीय प्रणाली है. इट इज ए नॉर्मेटिव सिस्टम जिसमें उचित दशाओं को लाने का प्रयास किया जाता है. प्रणाली के रूप में स्थापित होने के लिए विधि में तीन फार्मर कैरेक्टरिस्टिक होना आवश्यक है. पहला विधि के तर्कवाद या प्रस्तावनाएं या प्रपोजल्स एक दूसरे से इस तरह से अंतर संबंधित होना चाहिए कि वह मूल प्रस्थापनाओं को व्युत्पन्न प्रस्थापनाओं से अलग किया जा सके. दूसरा, जो प्रस्थापनाएं हैं वो क्रमबद्ध योग्य और जो विधि का शुद्ध कार्य कुछ अर्थों में पूर्ण होना. तीसरा आधार है जो इंटर रिलेटेड प्रपोजिशन है वो कंसिस्टेंट हो, वो एक दूसरे से संगत हो. 20वीं सदी के प्रारंभ में ऑस्ट्रिया के वियना नामक स्थान पर विभिन्न विधाओं के आचार्यों ने पुरानी समस्याओं के संबंध में नए दृष्टिकोण से अध्ययन का प्रयास किया. वैज्ञानिक दृष्टि से अन्य विचारों से विधि को भिन्न करने का प्रयास. इस समूह को, इस विचार शाखा को इसीलिए भी वियना विचार शाखा कहा जाता है. हेंस केल्सन इस विचारधारा के नेता थे और उन्होंने प्योर थियरी ऑफ लॉ प्रोपाउंड किया. प्योर थियरी ऑफ लॉ शुद्ध विधि का सिद्धांत का आधार विधायन न्याय निर्णय
या कार्यपालन के समान राजनीतिक घटनाएं नहीं थी, बल्कि इसका आधार एक विशेष प्रकार के मानक मानक है, जिसका एक विधिक कर्तव्य से या विधिक अधिकार अधिरोपित करने की दृष्टि से किया जा सकता। किसी पर विधिक कर्तव्य या विधिक अधिकार अधिरोपित करना विधि का मूल। टेलसन की विचार पद्धति कांट के ज्ञान मीमांसा से प्रभावित है। कांट ने क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन और मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स नामक पुस्तक में ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत प्रकाशित। इस सिद्धांत के अनुसार सत्यता ऐसे आधार पर प्राप्त की जा सकती है जो प्रकृति में नहीं है, जैसे स्पेस टाइम कॉजलिटी। ये सब कांट की मूल प्रस्तावनाएं थी। टेलसन ने विचार व्यक्त किया कि विधि का विज्ञान, विधि का वर्णन केवल पूर्वानुमानों के आधार पर कर सकता है, जैसे विधिक मानक परस्पर विरुद्ध नहीं हो सकते। दूसरा, विधिक व्यवस्था में मानकों को सोपान प्राप्त है, हायरार्की ऑफ नॉर्म्स की आवश्यकता जो ज्यादा अमूर्त रूप से लेकर मूर्त रूप में पाए। सर्वोपरि सिद्धांत तीसरा यह है कि यह प्रस्तावनाएं तभी संभव है जब इस व्यवस्था में मूल मानक के अस्तित्व का पूर्वानुमान किया जा सके, जिससे इस व्यवस्था के अन्य मानक अपनी वैधता को प्राप्त कर। टेलसन से पूर्व स्टेमलर ने शुद्ध विधि के सिद्धांत का सार्वभौमिक रूप से करने का प्रयास किया था, जो परिवर्तनीय विधियों से मुक्त हो। परंतु स्टेमलर ने शुद्ध विधि के अध्ययन का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना था, जिसके कारण वह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सके। केल्सन ने अपने पूर्व के विधिशास्त्रियों के अध्ययन का विश्लेषण किया और उसमें परिमार्जन करते हुए विधि का विशुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया। कांट से प्रभावित होने के बावजूद उन्होंने कई मामलों में कांट से पृथक विचार अभिव्यक्त किया, जैसे कांट अधिकांश निरपेक्ष सत्य को ज्ञान से परे मानते थे, जबकि केल्सन यह मानते थे समस्त ज्ञान विज्ञान द्वारा ग्राह्य है। दूसरा अंतर था, कांट ने कुछ तत्वों का अस्तित्व प्रकृति के बाहर माना, जैसे समय स्थान कारणता। इसी तरह से विधि के संदर्भ में भी उन्होंने विधिक व्यवस्था से परे कुछ पूर्वानुमान, जैसे मूल मान, जिसे वह विधिक व्यवस्था की वस्तु न मान करके ज्ञान
विधिक व्यवस्था का आधार माना। कांट ने जो है पार्ट ला इज और पार्ट इट आर टू बी में अंतर किया। ला और मॉरल्टी, नॉलेज और मॉरल्टी दोनों में कांट अंतर करते हैं। केल्सन स्टिमलर के शुद्ध विधि के सिद्धांत को इस आधार पर पूर्ण बताया कि आदर्शों की कल्पना के साथ शुद्ध विधि की खोज नहीं की जा सकती। अतः उन्होंने विधि के विज्ञान से न्याय जैसे आदर्श परक तत्व और मूल परक तथ्य को पृथक कर दिया। विधि के दर्शन और न्याय के दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लॉ और फिलॉसफी ऑफ जस्टिस में उन्होंने अंतर किया। इसी तरह एल्सन ने बेंथम के उपयोगितावाद को भी शुद्ध न मानते हुए विधि के सिद्धांत से पृथक कर दिया। बेंथम और एल्सन एनालिटिकल जुरिसप्रूडेंस में उपयोगिता का आदर्श इतना ज्यादा था और ऑस्टिन में भी उपयोगितावाद था। उनका कहना था संप्रभु का उद्देश्य मानव का सर्वाधिक खुशहाली। उन्होंने इस बात पर जोर दिया विधायिका द्वारा विधि के निर्माण में न्याय के तत्व को उस तरह से स्थान नहीं दिया जा सकता जैसे प्राकृतिक विधि में दिया। ऑस्टिन मूल परक तत्व को अपने सिद्धांत में प्रश्रय दिया है। ऑस्टिन के विधि के दर्शन में प्राकृतिक विचारधारा का अवशेष विद्यमान है। यह ऑस्टिन विधि जो है और विधि जो होनी चाहिए में सैद्धांतिक अंतर की बात तो करते हैं, लेकिन धरातल पर उसको पृथक करने की उतनी निश्चयात्मक कार्यवाही नहीं परिलक्षित होती है। केल्सन विधि जो है, विधि जो होनी चाहिए, केल्सन के मानक के संकल्पना की मूल आधार है। इस तरह एल्सन का शुद्ध विधि का सिद्धांत विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी विचारधारा से प्रभावित होते हुए भी उसकी प्रक्रिया के फलस्वरूप और कांट की विचारधारा से भी प्रभावित होने के कारण एल्सन ने अपने शुद्ध विधि के सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि शुद्ध विधि का सिद्धांत पॉजिटिव लॉ का थियरी है। प्योर थियरी ऑफ लॉ इज थियरी ऑफ पॉजिटिव लॉ। यह विधि का सामान्य सिद्धांत न कि यह किसी स्पेसिफिक लीगल सिस्टम का प्रेजेंटेशन है या इंटरप्रिटेशन। केल्सन ने अपनी पुस्तक जनरल थियरी ऑफ लॉ एंड स्टेट और प्योर थियरी ऑफ लॉ एंड एनालिटिकल जुरिसप्रूडेंस में स्पष्ट किया है कि
प्योर थियरी ऑफ लॉ और थ्योरेटिकल थियरी ऑफ लॉ का ओरिएंटेशन समान है। प्योर थियरी ऑफ लॉ और थ्योरेटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या समानता है? इनमें चार तरह की समानता परिलक्षित है। जिस प्रकार विल्सन की विधि व्यवस्था निश्चयात्मक मानकों की अंतर संबंधित कार्य संपूर्णता उसी तरह विश्लेषणात्मक विचार इसे तार्किक रूप से अंतर संबंधित अवधारणाओं को व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करता है। दूसरा, जिस प्रकार केल्सन ने पीढ़ी जो है और विधि जो होनी चाहिए में गंभीर विभेद किया है, उसी तरह से एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी दोनों में अंतर किया गया। जो केल्सन का उत्पीड़क के रूप पार्सिव एलिमेंट प्रमाणवादी विचारधारा के विश्लेषणात्मक विचार शाखा के समावेश के सादृश्य है। अगला, शुद्ध विधि का सिद्धांत और विश्लेषणात्मक विचार शाखा में दोनों न तो राजनीतिक मूल्यांकन से संबंधित हैं न ही नैतिकता को अपने में समाविष्ट करते हैं। पॉजिटिव लॉ से संबंधित इन समानताओं के बावजूद एल्सन का प्योर थियरी ऑफ लॉ एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से कतिपय भिन्नता भी रखता है। एल्सन के अनुसार शुद्ध विधि का सिद्धांत ज्यादा संगत और ऑस्टिन द्वारा अधिकार और कर्तव्यों और विधि और राज्य के बीच संबंधों के बीच की गई त्रुटियों को दूर करता। इस प्रकार शुद्ध विधि का सिद्धांत विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र का ज्यादा नियमनिष्ठ, ज्यादा संगत और ज्यादा क्रमबद्ध अध्ययन है। एरिक्सन के द्वारा प्रतिपादित शुद्ध विधि का सिद्धांत के कुछ लक्षण भी परिलक्षित होते हैं, जैसे अन्य किसी विज्ञान की तरह शुद्ध विधि के सिद्धांत का लक्ष्य अव्यवस्था एवं विविधता को कम कर एकता की स्थापना करना। दूसरा तत्व है विशुद्ध विधि के सिद्धांत का। इस सिद्धांत की प्रकृति वैज्ञानिक ये कंसेप्ट नहीं है, ये साइंस है। अतः प्योर थियरी आपका एक साइंस है, एक विज्ञान है, यह किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है। यह विधि क्या है, किसका ज्ञान है, विधि क्या होनी चाहिए, इसका कोई ज्ञान नहीं देता। विधि एक मानकीय विज्ञान है। लॉ इज ए नॉर्मेटिव साइंस, ये नेचुरल साइंस नहीं है। मानकों के सिद्धांत के रूप में विधि के सिद्धांत
सिद्धांत का संबंध विधिक मानकों की प्रभावकारिता से नहीं है। पांचवा, विधि का सिद्धांत प्रारूपिक है, फॉर्मल है, जो विधि के अंतर्वस्तु में विशिष्ट तरीके से परिवर्तन द्वारा व्यवस्था स्थापित करने का माध्यम है। अगला, विधि के सिद्धांत का पॉजिटिव लॉ से वही संबंध है जो संभव का वास्तविक विधि से है। अगर हम लोग इस तरह से इसका मूल्यांकन करें, ना तो नैतिक न राजनीतिक मूल्य संबंधी कथन विधि के विशुद्ध सिद्धांत में समाहित है। एरिक्सन के विशुद्ध विधि का सिद्धांत इसलिए विशुद्ध है कि वह पॉजिटिव लॉ की आइडेंटिटी में जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं उनको बाहर कर देते हैं। शुद्ध विधि के सिद्धांत की सीमा संज्ञान या अनुभूति दो दिशाओं में निश्चित की जाती है। विशिष्ट विधि का विशिष्ट विज्ञान जिसे विधिशास्त्र कहा जाता है, एक तरफ न्याय के दर्शन से पृथक किया जाना चाहिए, दूसरी तरफ समाज शास्त्र या सामाजिक वास्तविकता के संज्ञान से पृथक होना चाहिए। न्याय को पियर्सन ने एक अयुक्त परक आदर्श माना, जस्टिस इज एन इररेशनल आइडिया, क्योंकि यह कहना कि न्याय जैसी कोई वस्तु है लेकिन उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है, यह स्वयं में विरोधाभासी है। विधि का सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता कि न्याय किन तत्वों से बनता है, क्योंकि इस प्रश्न का कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं दिया जा सकता, साइंटिफिक रिस्पॉन्ड नहीं किया जा सकता। न्याय क्या है इसे वैज्ञानिक तौर पर साबित नहीं किया जा सकता। अगर कोई ये एक नियम के लिए यह उचित है कि वह सामान्य नियम के रूप में उसका प्रयोग सभी मामलों में किया, जिसमें अपेक्षा की जाती है कि वह सभी पर लागू हो। इस तरह न्याय का प्रयोग शुद्ध अंतःकरण द्वारा सामाजिक व्यवस्था को कायम करना है। इसीलिए पियर्सन ने अपने सिद्धांत से आदर्श के सभी तत्वों को पृथक कर दिया। जो है वह उनकी विषय वस्तु है, जो होनी चाहिए उसका उनसे कोई संबंध नहीं। उन्होंने अपनी अध्ययन प्रणाली का लक्ष्य विधि के विज्ञान के रूप में रखा और आदर्शात्मक तत्वों को इससे पृथक की। एलिसन के अनुसार आलोचनात्मक ढंग से विधि का सिद्धांत मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र और राजनीतिक सिद्धांतों से
निश्चित ना? इन तत्वों को पृथक करना विशुद्ध वेद का मूल आधार। शुद्ध विद्युत तत्वों को पहचान तभी की जा सकती है जब विद से इतर सभी तत्व को विचार से मुक्त किया जाए। विद में अन्य विधाओं का अपमिश्रण मिक्सर समझने योग्य है, क्योंकि इन विधाओं से संबंधित सामग्री का विद से गहरा संबंध। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन विधाओं के विरुद्ध शुद्ध विद के सिद्धांत द्वारा मानव ज्ञान के दायरे को संकुचित कर संबंधों से वंचित करने या इग्नोर करने के उद्देश्य से विशुद्ध विद का सिद्धांत नहीं लाया गया, अपितु ऐसा अध्ययन के तरीके के अनुसार विभिन्न विधाओं आलोचनात्मक मिश्रण किए बिना विधि का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि यह विधि के विज्ञान के सार को धूमिल करता है और उसमें संदिग्धता उत्पन्न करता है। निश्चित सीमा विधि के लिए आवश्यक है। ला एस ए साइंस ऑफ नॉर्मेटिव सिस्टम स्टेब्लिश किए जाने के लिए सभी अन्य तत्वों को बहिष्कृत करना आवश्यक है। प्योर थियरी ऑफ ला का मूल मानक कार्य या लोग को विधिक या अविधिक बनाते हैं। मानक का तात्पर्य है कि जो कुछ होना चाहिए या घटित होना चाहिए। विशेषकर यह आशय है कि मानव प्राणियों को निश्चित तरीके से व्यवहार करना चाहिए। मानव निश्चित मानव कृत्यों का द्योतक है जो उसके व्यवहार के प्रति जारी होता है। यह अपनी अंतर्वस्तु के अनुसार तीन तरह से जारी हो सकता है। पहला, जहां वह निश्चित मानव व्यवहार का आदेश देते या जहां वो निश्चित व्यवहार की अनुमति देते हैं, या जहां निश्चित व्यवहार के लिए प्राधिकार प्रदान करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो मानव नार या तो कमांड है, या तो परमिशन है, या तो अथॉरिटी है। मानव का अर्थ इच्छा की अभिव्यक्ति है। यदि कोई व्यक्ति अपनी क्रिया से दूसरे के व्यवहार के प्रति यह इच्छा व्यक्त करता है, दूसरे शब्दों में यदि ऐसे व्यवहार के बारे में आदेश अनुमति या अधिकार प्रदान करता तो कहा जा सकता है कि भविष्य में उसके अनुसार उसे अपना व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए। मात्र यह कहा जा सकता
काल की उसे हर स्थिति में उस तरह का व्यवहार करना चाहिए जो व्यक्ति आदेश, अनुमति या प्राधिकार देता है या इच्छा व्यक्त करता है, और जिस व्यक्ति के लिए वह आदेश, अनुमति या प्राधिकार जारी करता है, उससे चाहिए की अपेक्षा है और मानक का शाब्दिक अर्थ तरीके से, नियम से। पर इस शास्त्र में इसको इंपरेटिव रूप में लिया गया है, आज्ञात्मक रूप में मानक को स्वीकार किया। बाध्यकारी तत्व के कारण इसका अर्थ जो है, और होना चाहिए से भिन्न है। चाहिए कथन का प्रयोग लीगल आर्ट 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 नेचुरल आर्ट है, लीगल आर्ट है, मॉरल आर्ट। जिस तरह से इसे भौतिक विज्ञान के नियमों से अलग किया गया, उसी तरह इसे नैतिकता के भी आकर्षक प्रतिमानों से मुक्त किया गया। इस तरह से विल्सन का प्योर थियरी आंकड़ा नेचुरल लॉ से भिन्न, एक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान, कार्य और कारण संबंधों पर आधारित है, और उनकी प्रस्तावनाएं यह बोध कराती हैं कि जो कार्य और कारण दिए गए हैं वह हर परिस्थिति में निश्चितता पैदा करें। प्राकृतिक विधि का स्रोत प्रकृति है, और जिसकी प्रस्थापना आठ है, जबकि विधि शास्त्र का आधार स्रोत लीगल आठ है, और इस के स्रोत को हम लोग प्राकृतिक विधि से अलग अलग उसमें खोज की जा रही है। कार्य कारण संबंध के कारण विज्ञान में घटनाएं हूबहू वही घटती हैं जिनको घटना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक निश्चित अनुपात में निश्चित करें तो उससे जल का निर्माण होगा। इसी तरह से अगर किसी वस्तु को ऊंचाई में फेंकी जाती है तो उसमें भी निश्चितता है कि वह नीचे अवश्य गिरेगी। इन अवश्यम्भावी सिद्धांतों से एल्सन ने जो है सेम पार्ट लॉ इज को पिल्सन सेम कहते हैं, और सोलन टर्म का यूज सोलन के लिए करते हैं। नेचुरल आर्ट को लीगल आर्ट से डिफरेंट करना, उसमें अंतर करना, और फिर लीगल आर्ट को मॉरल आर्ट से डिफ्रेंशिएट करना। प्योर थियोरी का मेन ऑब्जेक्ट यह तभी प्योर है, विज्ञान का कारण से संबंधित होने के कारण उसके कथन विधि शास्त्र में लागू नहीं हो सकते। उन्होंने विधि का नियम प्रकृति के नियम की तरह या नहीं करता, यदि आ है तो बा, बल्कि बीच में यह कहा जाता है कि
यदि यदि आ है तो बा को होना चाहिए, चाहे बा को या वास्तव में ना। शुद्ध वीर का सिद्धांत मानवता तो से संबंधित है, अतः केवल बेमानव जो यह अपेक्षा करते हैं कि व्यक्तियों को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, वीर शास्त्र की आधार वस्तु है। यह तथ्य का अध्ययन नहीं करता व्यक्तियों का या उनके वास्तविक व्यवहार क्या है। शुद्ध वीर का सिद्धांत केवल उन मानव को जो यह अपेक्षा करते हैं जो कि व्यक्तियों को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, उन्हें ही पेंशन विधि शास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। यह सिद्धांत इस तथ्य का अध्ययन नहीं करता कि व्यक्तियों का वास्तविक व्यवहार क्या है। उदाहरण शुद्ध विधि का सिद्धांत यह मानव को निर्गत कर सकता है कि यदि कोई चोरी करता है तो उसे दंडित होना चाहिए। वास्तव में चोरी करने वाला व्यक्ति दंडित होता है या नहीं, यह विधि शास्त्र का की विषय वस्तु नहीं है। यह कई अन्य तथ्यों पर आधारित है, जैसे कि चोरी करने वाला पकड़ा जाता है कि नहीं, उसके विरुद्ध आरोप साबित होते हैं कि नहीं, जैसे बहुत सारे तथ्य हैं जो यह निर्धारित करेंगे कि उसे दंडित किया गया है कि नहीं किया गया। चाहिए कथन का प्रयोग प्रकृति के नियम के रूप में न कर ज्यादा उदार रूप में किया है। यह विधि का नियम प्रकृति के नियम के समान प्रयुक्त किया जाए तो गलत होगा, निश्चित दशाओं में निश्चित परिणाम कारित होने से। इस अर्थ में चाहिए कथन मात्र समादेश का द्योतक, परंतु लीगल आर्ट विधि के नियम के साथ दशाओं और परिणामों का संबंध जोड़ता है, उससे कई अर्थ निकलते हैं। एक परिणाम के लिए समादेश, और दूसरा अधिकरण, तीसरा पॉजिटिव परमिशन। कमांड एथराइजेशन एंड पॉजिटिव परमिशन, किल्सन के शब्दों में विधि का नियम चाहिए सभी मानकीय नियमों को समाविष्ट करता। इस तरह मानव का तात्पर्य कि एक कृत्य के अर्थ से, जिसके द्वारा एक निश्चित व्यवहार समादेशित अनुमत या प्राधिकृत किया जाता है। नैतिकता का विशुद्ध विधि के सिद्धांत में न्यूनतम भूमिका है। प्राकृतिक नियमों से अलग आर्ट का तात्पर्य यह तात्पर्य नहीं है कि इसका मानव आर्ट नीति मूलक मानकों से भेद नहीं। केल्सन ने लीगल आर्ट और मानव आर्ट में गंभीर अंतर किया है। लीगल लीगल आर्ट
वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित होने के कारण इसे बाहर के जगत में प्राप्त किया जा सकता है और साबित किया जा सकता है, जबकि लीगल आर्ट आत्मनिष्ठ होने के कारण ये आंतरिक तथ्य है और इसे साबित नहीं किया जा सकता। लीगल आर्ट साइंटिफिक स्टडी का सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन मॉरल आर्ट साइंटिफिक स्टडी का सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकता। यह पर्सनल सेंटीमेंट पर आधारित है, इसलिए ये साइंटिफिक नहीं हो सकता। मॉरल आर्ट में कुछ दायित्व के पूरा न करने पर नैतिक दायित्व उत्पन्न हो सकता है, लेकिन कोई विधिक दायित्व उत्पन्न नहीं हो। लेकिन लीगल आर्ट की स्थिति में अगर कार्य नहीं किया जाता है तो लीगल लाइबिलिटी एराइज होती है। अनुशासित जैसा कि हम लोग कल देखा कि वह एक मनोवैज्ञानिक भय के रूप में विधि शास्त्र में व्याप्त हुआ। इसी कारण बहुत सारे विधि शास्त्रियों ने पास्टिंग के संप्रत के समादेश को बंदूकधारियों का समादेश माना, विधिक मानक को नैतिक और धार्मिक मानकों से उसके विशेष लक्षण के कारण अलग किया जाना चाहिए। लीगल नॉर्म या रूल निश्चित मानव व्यवहार की अपेक्षा करता है, जिसके विरुद्ध व्यवहार किए जाने पर अनुशासन के रूप में उत्पीड़क वार्षिक प्रोसीडिंग एराइज हो सकती है। किल्सन का शुद्ध विधि का सिद्धांत विधि की संकल्पना लक्षण मानता है, उत्पीड़न को विधि की संकल्पना का मूलभूत तत्व माना गया, चाहे वो सैंक्शन हो या पनिशमेंट। विधि को आवश्यक तत्व इसलिए मानता है कि विधियां मानव व्यवहार से संबंधित आदेश है। दूसरा कि जो मानव व्यवहार से संबंधित आदेश है ये वार्षिक आर्डर है, उत्पीड़न आदेश है। मानव व्यवहार से संबंधित उत्पीड़क आदेश है, परंतु केल्सन ने आस्टिन के समादेश में अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक भय को पृथक किया। केल्सन के अनुसार एक व्यवस्था द्वारा उत्पीड़न मुख्यतया मनोवैज्ञानिक नहीं है। इनके अनुसार ला इज ए डी साइक्लाइड कमांड, ये मनोविज्ञान विहीन समादेश है। इस साइकोलॉजी को भी अलग करना प्योर थियोरी का एक उद्देश्य है। बाह्य तथ्यों पर आधारित अनुशासन को उत्पीड़क तत्व के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। प्रभावित व्यक्ति द्वारा किसी अधिकार दायित्व से वंचित होना
या बुराई का सामना करना उत्पीड़न का तत्व हो सकता है। किल्सन के अनुसार आस्तीन की तरह बलपूर्वक लागू किए जाने वाला नियम नहीं है। उन्होंने संप्रभुता की निश्चितता की बात की। किल्सन का कहना है यह एक मानक या नियम है जो अनुशास्ती के लिए विशिष्ट प्रावधान करता है। विधिक मानक इकाइयों के आचरण को स्पष्ट करते हैं और नागरिक जिसके नियमोल्लंघन के विरुद्ध अनुशास्त का उत्पीड़क तरीका निर्देशित किया जाता है और जो उल्लंघन करता है फिर संघ उसे गिरफ्त करते हैं। वह सरकारी तंत्र का अंग जो दिलीप के विरुद्ध उत्पीड़क प्रावधानों को लागू करता है जो उसका उल्लंघन करता है। दिलीप को इलेक्शन में विधि मानक के चाहिए कथन में उल्लंघन की स्थिति में अनुशास्ति का परिणाम माना। गारंट या कोई चोरी करता तो उसे दंडित होना चाहिए या कोई अकृत्य के लिए क्षतिपूर्ति की अदायगी नहीं करता है तो उसके विरुद्ध भी एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट होना चाहिए। इस तरह विधि का विज्ञान संबंधों का वर्णन करता है जो विधिक प्राधिकारी द्वारा विधिक मानक नियम उल्लंघन अनुसार आदि के संबंध स्थापित करता है। जो इलिप्त है और जो सैंक्शन है उसमें ऐसे संबंध की स्थापना जिसमें व्यक्ति के ऊपर कर्तव्य एवं अधिकार का दायित्व अधिरोपित होता है। प्योर थियरी ऑफ लॉ में मानकों का 105 दिया गया है, उनकी हायरार्की है। यह आवश्यक है कि जो मानक है वो जैसे सुसंगत हो उसी तरह से वो क्रमबद्ध करनी भी हो। उन्होंने मानक को दो भागों में विभाजित किया, एक स्थिर स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। एक तरह से यह विधि की थियरी है। स्टैटिक थियरी नेचुरल लाइफ स्कूल और बेंथम तथा ऑस्टिन के सिद्धांत को किल्सन स्टैटिक थियरी कहते हैं। उनका कहना है कि विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र एक तैयार विधि प्रणाली है। इसमें केवल विद्यमान विधियों के अनुसार तार्किक रूप से निष्कर्ष निकालना, जबकि प्योर थियरी ऑफ लॉ एक डायनेमिक थियरी है। इसमें मानक का निर्माण और एक मानक दूसरे मानक के सृजन और वैधता प्रदान करने का कार्य निरंतर करते रहते हैं। इसमें विधि अपने सृजन का नियंत्रण करती है। पॉजिटिव लॉ की एनालिसिस यह स्पष्ट करती है कि वह प्रक्रिया
द्वारा कोई मानव दूसरे मानव द्वारा नियंत्रित होता है? वास्तव में सामान्य तौर पर दूसरा मानव केवल सृजन की प्रक्रिया निश्चित नहीं करता, अपितु थोड़ा बहुत सृजित होने वाले मानक की अंतर वस्तु में भी परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार एक संविधान, अभिसमय, संविधि, अधिनियम के निर्माण करने वाले प्रक्रिया और उसकी अंतर वस्तु दोनों मार्ग से नियंत्रित होते हैं। जो संविधान है, संविधि है, अधिनियम है, जो भी है, उसके निर्माण की प्रक्रिया और उसकी अंतर वस्तु प्रोसेस एंड कंटेंट दोनों कंट्रोल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए संविधि द्वारा भाषण, प्रेस, धर्म की स्वतंत्रता सीमित नहीं की जा सकती, या ऐसा केवल निश्चित रूप में किया जा सकता। इसी प्रकार दीवानी, सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर से संबंधित न्यायिक नियमों का व्यक्तिगत मानकों के निर्धारण के तरीकों को जब सिविल क्रिमिनल कोड इन व्यक्तिगत मानकों की अंतर्वस्तु से संबंधित सामान्य मानक निश्चित करते हैं। इसी प्रकार काम ला जैसे कस्टमरी ला जैसी व्यवस्था में न्याय निर्णय की अंतर्वस्तु सामान्य अवधारण से निर्धारित होते हैं। विधिक मानकों के सृजन के तरीके निश्चित करने वाले मानक और अंतर्वस्तु निर्धारित करने वाले मानकों के बीच अंतर किया जाना मौलिक बीज का अंतर माना जाता है। दूसरे मानकों के सृजन या अंतर्वस्तु को नियंत्रित करने वाले मानक क्रमशः श्रेष्ठ मानक और अवर मानक कहे जाते हैं, सुपीरियर मानक और इंटीरियर मानक। अगर कोई मानक दूसरे मानक को वैधता प्रदान कर रहा है तो वो सुपीरियर। संविधान का तात्पर्य उन मानकों से है जो सामान्य नियमों के सृजन और अंतर्वस्तु को निर्धारित करते हैं, और वे नियम न्यायिक निर्णय सरीखे व्यक्तिगत मानकों को नियंत्रित करते हैं। संविधान मानकों का मिश्रित रूप जो विधायन के अंगों और क्रिया को नियंत्रित करता है। इसके अंतर्गत वे मानक सम्मिलित होते हैं जिनके द्वारा कस्टमरी लॉ की निर्माण करने वाले सहायता प्राप्त करते हैं। इस मिश्रण में सम्मिलित होने के लिए एक मानक संविधान में पाया जाना आवश्यक नहीं है। यह कस्टमरी लॉ का भी अंग हो सकता है। ये सुपीरियर लॉ और इंटीरियर लॉ श्रेष्ठ मानव और अवर मानव
संविधान उसके अनुसार अधिनियमित हो और उनके संबंधों का मतलब यह है कि उच्च मानक से निम्न मानक की वैधता प्राप्त करते हैं। एक मानक इसलिए विद्यमान होता है कि वह दूसरे मानक द्वारा अस्तित्व में आया है। यह पॉजिटिव लॉ से रिलेटेड वैलिडिटी के सिद्धांत का विशेष लक्षण है। यह पूर्णतः डायनेमिक थियरी इस संबंध के कारण इस व्यवस्था में वैधता प्राप्त होती रहती है। इस प्रकार सभी सामान्य मानक मूल मानक से अपनी विद्यमानता प्राप्त करते हैं। संविधान की वैधता का क्या कारण है? जिस व्यवस्था के अधीन वह उत्पन्न हुआ है वह मूल मानक होता है, और इसी तरह से संविधान भी मूल मानक के रूप में अपनी वैधता प्राप्त करता है। उत्पीड़क आदेश वार्षिक आर्डर राजनीतिक समुदाय का निर्माण करते हैं जिससे पॉलिटिकल कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, उसे राज्य कहा जाता है और उसे विधि व्यवस्था का नाम दिया जाता है, और इस तरह से उसे उस राज्य की विधि व्यवस्था कहा जाता है या उस राज्य समुदाय की व्यवस्था कहा जाता है। विधिक व्यवस्था के माध्यम से केंद्र में विधि और राज्य में वैधता को समाप्त कर दिया है। मानकों की व्यवस्था साधारणतया व्यक्तिगत मानकों से के संबंध में प्रदर्शित हो सकती है या पूरी व्यवस्था को सोपानात्मक जाल के रूप में प्रदर्शित कर सकती है जिसमें व्यक्तिगत मानवीय व्यवस्था या कंप्लीट लीगल सिस्टम कहा जा सके। पर्सनल लॉ, जनरल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रुप नाम, स्टिट्यूट एक सभी आते हैं। विधि प्योर थियरी ऑफ लॉ केंद्रीय संकल्पना मूल मानक ग्रुप नाम विधिक व्यवस्था के संबंध में मूल मानक के दो कार्य। पहला, यह प्रत्यक्षतः एक विशिष्ट संविधान का चित्र करता है जो चाहे रूढ़ पर आधारित हो या सांविधिक सृजन, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि वह प्रभावकारी हो, और दूसरा, यह अप्रत्यक्षतः संविधान के अनुसार प्रतिस्थापित उत्पीड़क व्यवस्था वार्षिक आर्डर का संचालन करते जो सामान्य रूपों से प्रभावकारी विधिक व्यवस्था के सारा मानक अपनी वैधानिकता दूसरे मानक से प्राप्त करते हैं जब कि मूल मानक
विधि व्यवस्था के सारे मानकों की वैधता का मूल कारण होता है। इसी तरह से वह विविधता को और व्यवस्था के समुच्चय को एकता के सूत्र में पिरोता। मूल मानक से ही सारे मानक एक सोपान में आते। दोनों मानकों में मुख्य अंतर यह होता है कि अन्य मानक मूल मानक से अपनी वैधता प्राप्त करते हैं, जबकि मूल मानक अपनी वैधानिकता किसी मानक से ग्रहण नहीं करता, बल्कि वस्तुतः अपने विद्यमान भी होता। मूल मानक की संकल्पना कांट के ज्ञान मीमांसा की प्रेरणा पर आधारित है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा बोधगम्य तथ्यों के बारे में निश्चित प्राकृतिक बीज की व्याख्या तत्व मीमांसी ढंग से संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन कुछ अनुभवातीत अस्तित्व का पूर्वानुमान किया जाता है, जैसे देश काल और कारण। इससे प्रेरित होकर केल्सन यह मानते हैं कि नियमों में निरपेक्ष रूप से वैधानिक विधि मानकों को व्यवस्था संबंधी तथ्यों संबंधी सापेक्ष जैसी विधि से इतर वस्तुओं का सहारा लिए बिना स्पष्ट किया जा सकता। विधि व्यवस्था व्याख्या के लिए एक पूर्वानुमान की आवश्यकता है और वह पूर्वानुमान है संविधान द्वारा स्थापित मापदंडों के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। इच्छा के सिद्धांत के रूप में मूल मानक का तात्पर्य यह है कि संविधान निर्माण की इच्छा की क्रिया प्राधिकारियों के विवरण के सापेक्ष किया जाना चाहिए। परंतु केल्सन ने स्पष्ट किया, विधि का विज्ञान यह नहीं निर्धारित करता कि संविधान के निर्माता के समादेश का अनुपालन किया जाना चाहिए, बल्कि वह उस दशा का संज्ञान लेता है जिसमें मूल मानक वह स्थिति उत्पन्न करता है जिनसे संविधान निर्माण की क्रिया कृत्यों का सापेक्ष अर्थ उनके निरपेक्ष अर्थ रूप में व्याख्या करके वैध मानक का स्थिरीकरण किया जा सकता। मूल मानक को निर्वचन के अनुभवातीत दशा मानकर केल्सन प्रारंभिक स्थापना ये एक इनिशियल हाइपोथेसिस है। मूल मानक और कुछ नहीं है, एक प्रारंभिक संकल्पना हाइपोथेसिस है। मूल मानक अनुभवातीत तार्किक पूर्वानुमान है। मूल
मूल मानक स्वतंत्र अन्वेषण की उपज नहीं है। इसके बारे में यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह पूर्वानुमान पर आधारित है और यह पूर्वानुमान निरंकुश नहीं है। ऐसा नहीं है, कई उपलब्ध मूल मानकों में से किसी एक का चयन किया गया। यह सुविचारित है कि विशिष्ट संविधान का जिक्र करते हुए यह पूर्वानुमान करता है कि संविधान का अनुपालन किया जाना चाहिए। सेकंड, मूल मानक स्वयं संविधान नहीं है, अपितु संविधान के पीछे उस भावना में निहित है जो संविधान में दिए गए सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना चाहिए। यह कि मूल मानक का अस्तित्व व्यवस्था के पूर्व मान लिया जाता है और इस तरह से मूल मानक के स्थापना में प्राकृतिक विधि के मूल तत्व समाहित हो जाते हैं, नेचुरल लॉजिक। जहां प्राकृतिक विधि के सिद्धांत नियमों की वैधानिकता और अंतर्वस्त्र दोनों नियंत्रित करते हैं, मूल मानक अन्य मानकों को वैधानिकता तो प्रदान करता है लेकिन अंतर्वस्तु नहीं करता। अंतर्वस्तु का निर्धारण मूल मानक के लिए अप्रासंगिक है। कांट के ज्ञान मीमांसा से प्रभावित होने के बावजूद मूल मानक विधिक व्यवस्था से परे की वस्तु नहीं है, अपितु मूल मानक विधिक व्यवस्था का ही मूल अंग है। यह भी सत्य है, एक विधि व्यवस्था में एक मूल मानक होगा। परस्पर विरोधी मूल मानकों पर कोई विधिक व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आ सकती। इंग्लैंड में मूल मानक की वैधता पूर्व निर्णय पर है, रूढ़ी पर है, स्टेच्यूट पर है, परंतु यह केल्सन के सिद्धांत के अनुरूप है। इंग्लैंड में क्राउन इन पार्लियामेंट जुडिशियल प्रेसिडेंट और कस्टम में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ये तीनों इसी क्रम में वरीयता से प्रवर्तित किए जाते हैं। मूल मानक की विद्यमानता और प्रभावकारिता मूल मानक की वैधता संविधान में वर्णित संशोधन संबंधी प्रक्रिया पर आधारित है। संविधान में ही वर्णित होता है एक मानक कब तक अपनी वैधता करेगा, वैध रहेगा, और अगर कोई दूसरे मानक का सृजन कर दिया जाता है या पहले मानक को दूसरे मानक द्वारा निरस्त कर दिया जाता है तो वो तभी तक वैध है जब तक कि उनका निरसन नहीं होता है या वो स्थापित नहीं कर दिए जाते। परंतु यह क्रांति के मामलों में इस तर्क को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि
क्योंकि क्रांति की दृष्टि से जब तक पुरानी विधिक व्यवस्था बदल नहीं दी जाती है तब तक पुराना संविधान कार्य करता है, या पुरानी व्यवस्था को नामंजूर करके नई व्यवस्था कायम की जाती है, परिवर्तन के साथ मूल मानक एवं विधि मानक और अन्य तथ्य बदल जाते हैं। केल्सन की मान्यता है कि मूल मानक केवल उस संविधान का जिक्र करता है जो वास्तव में विधायिक या रूढ़ द्वारा स्थापित है और प्रभावी है। इफेक्टिवनेस एसेंशियल है। केल्सन के अनुसार विधिमान्यता का सिद्धांत प्रभावकारिता के सिद्धांत से नियंत्रित होता है। वैलिडिटी को इफेक्टिवनेस से गवर्न किया जाता है। उनका मानना है कि एक संविधान प्रभावी है यदि उसके मानकों का अधिकांशतः अनुपालन किया जा रहा है। मूल मानक की प्रभावकारिता और तत्जनित प्रभाविकता क्रांति की सफलता या असफलता पर निर्भर करता है। केल्सन में क्रांतिकारी परिवर्तन में तीन स्थितियों की कल्पना की। पहली, जहां क्रांति सफल नहीं होती वहां मूल मानक की प्रभावकारिता बनी रहेगी। पूर्वक व्यवस्थाएं चलती रहती। दूसरा, जहां क्रांति द्वारा पूर्व संविधान को परिवर्तित किया जाता है और इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है जैसा कि उस संविधान में उपवर्णित नहीं है, परंतु मात्र संविधान को परिवर्तित किया जाता है, अन्य व्यवस्था को यथा बरकरार रखा जाता है, तो नए मानक के अंतर्गत पुरानी मानकों की वैधानिकता के लिए आवश्यक है कि वो अपनी सुसंगतता प्राप्त करें। जैसे भारत का ही उदाहरण लीजिए, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत में विभिन्न तरह की व्यवस्थाएं थी, विधियां थी, शासन प्रणालियां थी, लेकिन भारत के संविधान लागू होने के बाद भी वो सब एग्जिस्टिंग लॉ के तौर पर लागू रहे और नया जब मूल मानक आया तो उसने धारा अनुच्छेद 13 में यह है कि जो विधियां जिसमें संविध भी है, प्रथा भी है, बाईलाज, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस सभी, ऐसा सभी ऑर्डिनेंस, एक्ट, रेगुलेशंस ये सब उस सीमा तक असंगत हैं और या शून्य हैं जिस सीमा तक भारतीय संविधान के से असंगत हैं या उसके विरोध में। तो मूल मानक बदला गया और इसी मूल मानक से जो विद्यमान व्यवस्था है वह अपने मानकों से वैधता प्रदान करें। लोकहित और प्राइवेट लॉ में माने जाने वाले पारस्परिक विभेद केवल आनुपातिक भेद रह जाता है जो समय समय पर लुप्त हो जाते।
ये दोनों विधियां व्यवस्था को ठोस रूप देने का अंश है और इनमें भेद मात्र यह है कि यह व्यवस्था के भिन्न स्तरों पर कारगर होती हैं और भिन्न प्रकरण पर लागू किया जा सकता है। प्योर थियरी यात्रा में यह अंतर समाप्त। इसी तरह सरकार के तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रोसीजरल डिफरेंस नए तरीके से किया जाता है। ये सभी मानक सृजन एजेंसियां हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका विशिष्ट मामलों में मानकों का निर्माण करते हैं, जबकि विधायिका इसी हेतु सृजित है। इस तरह से प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव लॉ का जो डिफरेंस है वो रिलेटिव हो जाता है। विधि व्यवस्था को ठोस रूप देने में प्योर थियरी यात्रा विशेष योगदान है। विधि संबंधी प्रश्नों और तथ्य संबंधी प्रश्नों के अंतर भी सापेक्ष बन जाते क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आपका रिलेटिव है। प्योर आप थियरी में मानक का लागू किया जाना विधि को ठोस रूप देने सहित इस प्रकार एक न्यायाधीश द्वारा तथ्य की खोज आवश्यक हो और यह ग्राह्य नहीं है कि वास्तव में क्या घटित हुआ। वह क्या घटित होना मानता है यह महत्व प्योर थियरी ऑफ लॉ में ड्यूटी अध्ययन का केंद्र बिंदु है। प्योर थियरी ऑफ लॉ का जो सबसे बड़ा प्रभाव है कि जो अभी तक राइट ओरिएंटेड थियरी थी वो ड्यूटी ओरिएंटेड थियरी में कन्वर्ट हो गई। कर्तव्य शक्ति के लिए पेंशन के विशेष स्थान था। विधि के इतर परिदृश्य से इतर फिनोमेना है। ये एक ऐसा प्रतिभास है शक्ति जो विधि से बाहर है, कर्तव्य मूल है। स्वतंत्रता और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं, जबकि दावा विधि की उपज है। पेंशन द्वारा मानव को ठोस रूप देने का प्रयास टोटलिटी ऑफ क्लेम्स है। अतः नेचुरल लॉ और नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन का अंतर भी इस थियरी में समाप्त हो जाता है। मात कर्तव्य और दायित्व को उजागर करने के लिए प्योर थियरी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विधिक सिद्धांत के अंतर्गत पेंसन ने व्यक्तित्व को स्वीकार किया, लीगल पर्सनालिटी रिकॉग्नाइज्ड है। राज्य मानव व्यवहार और सामाजिक दबाव की एक व्यवस्था है।
इसी तरह पर समर्थित मानव व्यवहार की मानकीय व्यवस्था जो पर प्रयोग को समुदाय का एकाधिकार मानता है, अतः राज्य और विध का भेद लुप्त हो जाता है। विध से इतर राज्य का अस्तित्व और राज्य की इच्छा से इतर विध का अस्तित्व संभव नहीं है। इस तरह टिल्सन शुद्ध विध की मानकीय व्यवस्था के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय विध को भी राष्ट्रीय विध के समान श्रेष्ठ मानते हैं। टिल्सन के अनुसार अंतरराष्ट्रीय विध का मूल मानक है राज्यों की सरकारों को अपने आपसी संबंधों को इस प्रकार शासित करना चाहिए कि वह स्थापित रूढ़ के अनुकूल उनका व्यवहार हो। पहला सर्व सर्वदा संधियों का पालन किया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय विधि का मानक युद्ध और प्रतिकार। इस तरह ऑस्टिन जो अंतरराष्ट्रीय विधि को विधि नहीं मानते थे, टिल्सन अंतरराष्ट्रीय विधि को वास्तविक विधि मानते हैं। प्योर थियरी ऑफ लॉ का महत्व यह है कि यह प्रमाणवादी विचारधारा का संस्कारित रूप है, परिमार्जित है और संस्कारित। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ज्ञात विधि की विभिन्न बुराइयों एवं अपमिश्रण को अलग कर विधि की शुद्धता को स्थापित किया गया। एक शुद्ध विधि के सिद्धांत का दूसरा प्रमुख गुण इसके द्वारा प्रारंभिक प्रस्थापना मूल मानक है, जिसे समुदाय का मूल राजनीतिक सिद्धांत माना जाता है और उससे प्राप्त विभिन्न संबंधों की संपूर्णता और का स्पष्टीकरण है। हिलेरी मेम के शब्दों में कहा जाए, प्रगतिशील प्रक्रिया के रूप में विधि की संकल्पना बहुत उपयोगी है। एक तरफ ग्रे और अमेरिकन यथार्थवादियों के विचारों को औचित्य मिलता है, दूसरी तरफ महाद्वीपीय समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को औचित्य प्राप्त होता है। आधुनिक राजनीतिक और वित्तशास्त्री दृष्टिकोणों ने न्याय और प्रशासन और भौतिक और विधिक व्यक्तित्व लोक भी और प्राइवेट भी न्यायाधीशों की सृजनशीलता कार्यपालिकी सृजनशील के बीच के संबंधों में सापेक्षता या लचीलापन स्वीकार किया है। यही कारण है विभिन्न क्षेत्रों विभिन्न दृष्टिकोण के वित्त शास्त्रियों ने होम्स इहरी ड्यूकिन जेम्स और बार्कर टेलसन के मूर्तकरण के सिद्धांत के समान परिणाम निकाला। टेलसन पश्चातवर्ती विचारों के प्रेरणा स्रोत
निरपेक्ष तथ्य की खोज में लगी हुई बीज विचारधाराओं में राजनीतिक विचार पद्धति का जिस निर्ममता का साथ पर्दाफाश किया गया उसका विज्ञानशास्त्र के पूरे क्षेत्र पर घनिष्ठ और स्वस्थ प्रभाव पड़ा। अंतरराष्ट्रीय विज की विचारधारा लोक विज प्राइवेट विज से संबंधित विचार शायद ही कोई ऐसा विषय क्षेत्र हो जो प्योर थियरी ऑफ लॉ से प्रभावित न हुआ हो। सभी क्षेत्रों में अपनी अपनी स्थिति के उलट विचार करने के लिए प्योर थियरी ऑफ लॉ ने सभी विचारकों को बाध्य किया। पेरिसन का ध्येय आवश्यक विधिक व्यवस्था की संरचना उसके तत्वों का विश्लेषण करना इसी व्यवस्था के औपचारिक तर्क की बोधगम्यता का एकमात्र माध्यम प्रतीत होता है। विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद पेरिसन के मूल सिद्धांत की नियम नियम मानकों के समकक्ष है और विधिक व्यवस्था एक तरह से मानकों का समूह है जिसका अर्थ विरोधाभास युक्त हितों का सामंजस्य है बहुत ही दृढ़ निष्कर्ष है। पैटर्न ने कहा पेरिसन के विधिशास्त्र के क्षेत्र में मौलिक और महत्वपूर्ण योगदान दिया। पेरिसन ने अपनी आलोचनात्मक प्रतिभा से विधिशास्त्र में व्याप्त अनेक भ्रांतियों को उजागर किया। वर्तमान समय के परस्पर विरोधी और उनकी निष्पक्षता के कारण उन्हें खतरनाक परिवर्तनकारी और रूढ़िवादियों ने उन्हें खतरनाक परिवर्तनकारी और क्रांतिकारी और प्रतिक्रियावादी घोषित। ए टेक्स्ट बुक ऑफ जुरिस्प्रूडेंस में पैटर्न ने कहा कि पेरिसन के विश्वास का मूल्यांकन करते हुए कहा कि पेरिसन ने अपनी आलोचना अपनी प्रतिभा से विधि के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। विधि शास्त्र में प्योर थियरी ऑफ लॉ पेरिसन की एक अमूल्य धरोहर है। हम ऑस्टिन से बेंथम से और उसके पहले के मानकों सिद्धांतों से इसको पृथक करते हैं तो यह साबित होता है कि प्योर थियरी ऑफ लॉ इज नॉट ओनली थियरी ऑफ लॉ बट इट इज ए साइंस ऑफ लॉ। विधि को विज्ञान के रूप में स्थापित करने के लिए और विधि को विज्ञान बनाने के लिए ऐसे सभी तत्वों को विद से मुक्त करना पेरिसन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भविष्य के
अन्य विचारधाराओं के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। बीज शास्त्र के एक विचार शाखा के रूप में प्योर थियरी ऑफ ला आलोचना की जा सकती है। और हम सब जानते हैं कि शायद ही कोई ऐसी विचार थियरी हो जो आलोचना से मुक्त हो। जैसे केल्सन के प्योर थियरी की सबसे पहली और सबसे बड़ी आलोचना यही है कि यह जिन तथ्यों को बाहर करना चाहते हैं वे तथ्य या तक कहीं न कहीं अपनी स्थिति बरकरार रखे हुए हैं। जैसे मूल मानक की वैधता को वो प्रिज्यूम करने की बात करते हैं। और अन्य मानकों के सृजन प्रभावकारिता और उनके संबंध संगत जो प्रस्थापनाएं बनाई गई हैं या जिन्हें बनाया जा रहा वे सब लोक कल्याण के लिए आश्रित हैं। जब तक मानकों की प्रभावकारिता बनी हुई है तब तक वो वैध है और जब तक वो वैध है तब तक वो व्यवस्था है। आज हम लोग हैंस केल्सन के मूल मानक को स्पष्ट करने का, प्योर थियरी ऑफ ला को समझने का, उसके योगदान की विश्लेषण का प्रयास किया गया है। कल हम लोग ऑस्टिन, बेंथम, केल्सन, हार्ट्ज के विचारों का एक कंपरेटिव तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाएगा कि लीगल पॉजिटिविज्म इनमें किस स्थिति तक और किस रूप में विद्यमान है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।